गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी आज आपको एक टिप्स बताऊंगा जो क्लीनिंग प्रोसीजर में आता है। क्लीनिंग प्रोसीजर में मॉप, वाइपर एंड बकेट का कलर कोड। ओके, इसमें चार प्रकार का काम होता है। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, चार प्रकार का काम होता है, चार कलर कोड यूज किया जाता है हेल्थ एंड हाइजीन का सेफ्टी रिलेटेड से। ओके, नंबर वन है आपको ब्लू। ब्लू जो कलर कोड है, आपको सेम बकेट होना चाहिए, सेम वाइपर होना चाहिए, सेम मोप होना चाहिए। एक कलर कोड आपको यूज किया जाता है, हाँ, जिधर आपको बुचरी सेक्शन है या द फिश मीट जिधर रहते हैं, ये सेक्शन में आपको यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपको सेकेंड नंबर में बताता हूँ, रेड कलर कोड। सेम बकेट, सेम मोप, सेम वाइपर, ये आपको टॉयलेट में यूज किया जाता है। अगर यही जो कलर कोड क्यों डिवाइडेड किया गया है हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड से, हाइजीन रिलेटेड से, ताकि क्रॉस कंडेंसेशन ना हो। क्रॉस कंडेंस हो जाएगा तो आपको कुछ भी इंजरीज या तो कुछ भी फूड पॉइजन एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड जो भी रिलेटेड है वो हो सकने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए कलर कोड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नंबर थ्री नंबर में आता है आपको येलो कलर कोड। सेम बकेट होना चाहिए येलो कलर का, सेम वाइपर होना चाहिए, सेम मोप होना चाहिए। ये आपको स्टोर में यूज़ किया जाता है, जैसे बड़ा बड़ा सुपर मॉल, सुपर मार्केट में आपको ये यूज़ किया जाता है। ये दूसरा चीज़, दूसरा में आपको यूज़ नहीं करना है, करिएगा आपको क्रॉस कंडेंसेशन हो जाता है, फूड में क्रॉस कंडेंसेशन हो जाता है आपको, या हेल्थ में क्रॉस कंडेंसेशन हो जाता है। कोई भी वायरस से, कोई भी बैक्टीरिया के माध्यम से आपको इंसर्ट हो, इंटर हो सकता है आपको बॉडी में। इसलिए हाइजीन सिस्टम के माध्यम से या हेल्थ सिस्टम माध्यम से क्रॉस कंडेंसेशन को स्टॉप करने के लिए ये आपको कलर कोड का मेंशन किया गया। लास्ट में आता आपको ग्रीन। ग्रीन है ऑफ कलर कोड, सेम बकेट, सेम मोब, सेम वाइपर, ये आपको यूज किया जाता है कि बेकरी में, जैसे कुक फूड जिधर आप खाना बनाते हैं किचन, ये यूज किया जाता है। यही मेरा छोटा टिप्स था, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये जो कलर कोड मेंशन किया है हाइजीन सिस्टम का माध्यम से, तो ये क्रॉस कंडेंसेशन रोकने के लिए किया गया है। ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा। ओके, बाय।